तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है पेबल की तरफ से पेबल कॉस्मोस ग्रैंड स्मार्ट वॉच। दोस्तों इसे मैंने 3799 में फ्लिपकार्ट से परचेज कर लिया था, और दोस्तों काफी लार्ज डिस्प्ले के साथ ये स्मार्ट वॉच आपको मिल रही है। 2.1 IPS डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगा 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ, साथ ही साथ आपको कॉलिंग वाला भी फीचर देखने को मिलेगा। तो बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। वही बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलेगा, बॉक्स के ऊपर में पेबल की ब्रांडिंग, और दोस्तों स्क्रीन साइज भी इन्होंने मेंशन कर दिया 2.1 लार्जेस्ट HD डिस्प्ले, कॉलिंग वाला भी फीचर इन्होंने मेंशन कर दिया है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे हैं, वो मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बॉक्स कंटेंट में आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड, कुछ कैटलॉग वगैरह भी मिल जाएंगे, और आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है, केबल की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, और वायरलेस चार्जिंग केबल इसमें आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मुझे काफी ज्यादा तगड़ा लगा है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो प्रीमियम टाइप की इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। डायल दोस्तों फुली इन्होंने मेटल से बनाया है, यहां पे आपको दो बटन्स देखने को मिलेंगे, एक आपको क्राउन देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे आप अपने वॉच फेसेस को और मेन्यू वगैरह को ऑपरेट कर पाएंगे, और दोस्तों इस वाले बटन से आप स्क्रीन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया, सारे सेंसर देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, और दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी तगड़ी लगी है, काफी सॉफ्ट है, और दोस्तों सिलिकॉन स्ट्रैप आपको मिल जाएंगे। इस साइड भी मुझे काफी तगड़े स्ट्रैप लगे हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें 3800 रुपए में तो दोस्तों काफी प्रीमियम टाइप की इसमें आपको बिल्ड और डिजाइन देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करूं, डिस्प्ले आपको 2.1 इंचेस लार्जेस्ट HD IPS सिनेमैटिक डिस्प्ले देखने को मिलता है 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ। अगर आप इसे आउटडोर यूज करोगे तो वहां पे काफी बढ़िया विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको 480x546 अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आपको मिलेगा, तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे से आपको दिखाई देने वाले हैं। इस वाले वॉच फेस से आपको इसके बेजल समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूं तो RD Fit ऐप आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की UI मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की UI कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिलता है, अगर आप डिवाइस में तो दोस्तों यहां से आप अपनी वॉच का मॉडल नंबर और बैटरी इधर से चेकआउट कर पाएंगे कि आपकी वॉच कितनी चार्ज है। वॉच फेस मार्केट देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहां पे आपको सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन सेक्शन, कैमरा कंट्रोल, फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन, यहां पे आपको आइडेंटिटी रिमाइंडर, ड्रिंकिंग रिमाइंडर देखने को मिलेगा, और दोस्तों अलार्म मिल जाएगा, मोशन एंड गेस्चर देखने को मिलेगा, स्क्रीन इल्यूमिनेशन ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर, डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, अपडेट फ्रेम वेयर, और दोस्तों वेदर अपडेट ले पाएंगे। यहां पे आपको कॉन्टैक्ट सेव करने का फीचर मिल जाएगा। अगर आप प्रोफाइल में आए तो दोस्तों यहां पे आपकी प्रोफाइल शो होने वाली है। ऐप की UI मुझे काफी ठीक ठाक लगे, और काफी अच्छे फीचर के साथ ये ऐप आपको मिल जाएगा। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप क्राउन बटन को रोटेट कर रहे हो तो यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे, और दोस्तों इसका UI मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप ऊपर से स्वाइप डाउन कर रहे तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है, वेदर अपडेट ले पाएंगे, फोन कॉल्स को ऑन ऑफ कर पाएंगे, अलार्म सेट कर पाएंगे, और यहां पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहां से आप अपनी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर पाएंगे। इस साइड से स्वाइप करो तो दोस्तों यहां पे आपको कोई एक मेन्यू देखने को मिलता है, नीचे से स्वाइप अप करो तो दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, तो दोस्तों 5 से 6 लाइन का मैसेज आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप मेन्यू में जा रहे हो तो दोस्तों मेन्यू में सबसे पहले आपको मिलता है मैसेज, मतलब नोटिफिकेशन सेक्शन। फोन्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको डायल पैड, कॉन्टैक्ट, कॉलेक्स, और दोस्तों फोन सेटिंग देखने को मिलेगा, डायल पैड कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। और दोस्तों आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में आए तो दोस्तों यहां पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप करना, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको स्टेप्स काउंट देखेगा, स्लीप मॉनिटर, म्यूजिक कंट्रोल, हार्ट रेट, BP वाला भी फीचर देखने को मिलता है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, कैलेंडर, वेदर अपडेट, QR कोड,
जीपीएस ट्रैजेक्टरी वाला भी फीचर देखने को मिलेगा, जैन मोड मतलब ब्रीदिंग मोड, कैलकुलेटर, काउंटडाउन, स्टॉप वॉच, ऐप कनेक्ट और दोस्तों फाइंड माई फोन का ऑप्शन, कैमरा कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट और दोस्तों यहां पे आपको डिस्प्ले टाइम देखने को मिलता है। अगर आप डिस्प्ले टाइम जा रहे हो तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन का टाइम घटा बढ़ा भी सकते हो। यहां पे आपको अलार्म और सेटिंग, अगर आप सेटिंग में जाए तो दोस्तों सेटिंग में सबसे पहले आपको डिस्प्ले टाइम, वेकअप एंड राइज को ऑन ऑफ कर पाओगे, ब्राइटनेस, डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर पाओगे, लैंग्वेजेस और दोस्तों पासवर्ड सेट करने का भी फीचर आपको दिख जाएगा, अबाउट, रिवॉर्ड, पावर ऑफ, कनेक्ट टू फोन और दोस्तों फैक्ट्री रीसेट, टाइम सेटिंग भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे वॉच के फीचर और यूआई, ऑलमोस्ट सारे फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे, कुछ फीचर मुझे मिसिंग भी लगे जैसे गेम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ ये वॉच आपको मिल रही है। अगर आपकी कलाई मोटी है तो काफी तगड़ा लुक देने वाली है, अगर आपकी कलाई थोड़ी पतली है तो वहां पे आपको सूट नहीं करेगी। और दोस्तों वेट की बात करूं तो 48 ग्राम इसका वेट है, अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे लगभग 3 दिन का बैटरी बैकअप ये आपको दे देगी, अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज कर रहे हो तो 7 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसका यूजर मैनुअल सारी स्पेसिफिकेशन मैं अच्छे से चेकआउट कर चुका हूं, कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि कितने रेटेड वाटर रेसिस्टेंस के साथ ये वॉच आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको लेके नहीं जाना है क्योंकि ये कॉलिंग वॉच है और दोस्तों कॉलिंग वॉच ज्यादातर IP67 रेटेड ही आते हैं, तो स्विमिंग के लिए आप इसे यूज नहीं करोगे। अगर आप इसे जिम वगैरह में लेके जा रहे हो, वहां पे पसीना वगैरह इसके ऊपर गिर जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप सावर में लेके जा रहे हो तो वहां पे लेके जा सकते हो। और दोस्तों ये वॉचेस बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं तो आप इसके सेंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है, तब भी दोस्तों मैं इसके सेंसर को आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में 74 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, नॉर्मल ह्यूमन का लगभग हार्ट रेट इतना ही होता है। SPO2 मॉनिटर 99% दिखा रहा है तो यहां पे भी मुझे काफी ठीक ठाक रीडिंग लग रहे हैं। जब मैंने इसे हार्ड सरफेस पे रखे देखा तो यहां पे भी इसने रीडिंग शो कर दी है, तो पेबल ने यहां पे मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है क्योंकि इसका प्राइस लगभग 3800 रुपए है। 3800 रुपए में दोस्तों इसमें जो बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर होता है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर सकते हो। मैं कॉल को रिसीव कर लेता हूं, रिसीव करने के बाद दोस्तों आपको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और दोस्तों म्यूट करने का फीचर आपको दिखता है, वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का फीचर आपको नहीं मिलेगा और दोस्तों कॉल को ट्रांसफर करने का भी फीचर आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको कॉलिंग वाला फीचर भी देखने को मिलता था, दोस्तों वो भी टेस्ट करके देख लेते हैं इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क करें। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हेलो, हेलो, हाँ सिद्धार्थ, अच्छा ये बता आवाज तेरे पास कैसे आ रही है? अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह? नहीं नहीं, नॉर्मल वॉइस है। अच्छा, मैंने वॉच परचेज किया था पेबल कॉस्मोस ग्रैंड, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलिंग के लिए कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है ना इसे? हाँ बिल्कुल। चल ठीक है बेटा, है तो भाई अब बात आती है 3800 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए तो आप डिसीजन खुद से भी ले सकते हैं आपको इसे लेना है या नहीं लेना। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों 3800 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अगर आप बड़ी डिस्प्ले के साथ कोई स्मार्ट वॉच लेना चाह रहे हो जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी हो तो इसे आप कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको सिनेमैटिक डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, 3800 रुपए के प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता किसी स्मार्ट वॉच में आपको सिनेमैटिक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो यही था पेबल कॉस्मोस ग्रैंड स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आगे भी आप कॉन्टेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।